नमस्कार, मैं रुचि पांडे राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गई हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया था। यूपी में AIMIM के चुनावी मैदान में उतरने से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस, SP और BSP को होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर कानपुर की 3 मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 SP और 1 कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ओवैसी की AIMIM पार्टी को BJP की बी पार्टी कहती चली आ रही है। वहीं SP ओवैसी को AIMIM को वोट कटवा पार्टी भी कहती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेंगे। AIMIM से निपटने के लिए कांग्रेस और SP ने लंबे समय से रणनीति बनाने में जुटी थी। दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि बिहार की तरह यूपी में भी AIMIM नुकसान करे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मुस्लिम वोटरों को बताएंगे कि AIMIM BJP की ही बी पार्टी है। वहीं SP के कार्यकर्ता वोटरों को समझाएंगे कि AIMIM कैसे वोट कटवा पार्टी है। ये मैसेज घर घर तक पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है। कानपुर की आर्यनगर, कैंट और सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तीनों ही सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, जिसमें 2 सीटों पर SP और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यदि ओवैसी इन सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे तो मुस्लिम वोटर बढ़ जाएंगे। इसमें SP और कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होने से इसका सीधा फायदा BJP को ही मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2017 में BJP ने कानपुर में क्लीन स्वीप करने का दावा किया था, लेकिन कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुहेल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। वहीं सीसामऊ विधानसभा सीट से SP के इरफान सोलंकी जीते थे। आर्यनगर विधानसभा सीट से SP के अमिताभ वाजपेयी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। BJP के दावे पर पानी फेरने का काम किया था। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें BJP के खाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में AIMIM को भाजपा की पार्टी बी से हटाना है तो कांग्रेस और सपा को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राजनीति दरबार। धन्यवाद।